अगर अमेरिका में बैठा हुआ पॉप्स अपनी पुरानी किसी पीटी सोच को बदल सकता है सच्चाई की धरातल पर, तो देश का भविष्य इस बात में है कि मेरे देश के पॉलिटिकल पंडित, मेरे देश के विकास की राजनीति की तरफ बड़ी बारीकाई से नजर करने वाले मित्र, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, आइए गुजरात के इस दिशा दशक का अध्ययन कीजिए। क्या कारण है इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है? मुझे एक पत्रकार मिले थे, मुझे बता रहे थे कि मोदी जी हमें समझाइए कि आपके यहां एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर नाम की चीज क्यों नहीं है। मैं मेरे पॉलिटिकल पंडितों से कहना चाहता हूं कि आप भी खोजिए वो कौन सा कारण है कि सत्ता में रहने के बाद भी जनता का प्रेम दिनों दिन बढ़ता चला जाए। वो कौन सा कारण है कि जनता का समर्थन बढ़ता जाए? वो कौन सा कारण है जिसके कारण जनता का विश्वास बढ़ता जाए? अगर निष्पक्ष भाव से, पूर्वग्रहों से मुक्त होकर के अब तक आरोप लगाए लगाए, ठीक है, आप उसको जी लीजिए, आप मौज कर लीजिए, लेकिन गुजरात की जनता अब आपको जवाब दे रही है, आपको आवाहन कर रही है कि खुले मन से आइए, इस विकास के विषय को समझिए। और मैं देश के दिल्ली में बैठे हुए शासकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत जुल्म ढो दिया आप लोगों ने, आपने संवैधानिक संस्थाओं का जितना दुरुपयोग कर सकते थे कर लिया, आपने जुल्म और तबाही के सारे रास्ते अपना लिए, लेकिन ये गुजरात की जनता है वह इस प्रकार से जुल्म से दबती नहीं है। हिंदुस्तान बदल चुका है, देश का युवा धन सोचने लगा है, देश का युवा धन समाज जीवन के विचारों पर अपने प्रभाव निरूपित करने के सामर्थ्य में आ चुका है। और ऐसे समय अगर आप इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते करते एक लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई व्यवस्था को तबाह करने का प्रयास करोगे तो कोई कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर मैं भी गांधीनगर में बैठ करके किसी नगर पालिका या तहसील पंचायत जहां हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं कुछ भी भला बुरा करने की कोशिश करूंगा तो पूरा गुजरात मुझे भी सजा देगा। ये गुजरात की जनता का स्वभाव है, लोकतंत्र में उसकी आस्थाएं हैं, वो विकास में विश्वास रखने वाले लोग हैं। वे इस प्रकार की नकारात्मकता को लंबे दिन तक स्वीकार नहीं करते थे। मैं दिल्ली में बैठे हुए, सत्ता पर बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, भारत का संविधान हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको जितने अधिकार हैं राज्यों को भी उतने ही अधिकार हैं। ये अधिकारों का टकराव देश को बहुत बड़ा नुकसान करेगा, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के शासक गुजरात के चुनाव नतीजों से समझे। अगर आप सत्ता प्राप्त करने के लिए रास्ता अपनाया था तो ये रास्ता आपके लिए उचित नहीं, आप छोड़ दीजिए, आइए लोकतांत्रिक तरीके से संवाद कीजिए। आपको अगर गुजरात सरकार से कोई शिकायत है आइए बैठ करके बात कीजिए, लेकिन ये जुल्म का रास्ता छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आज कह रहा हूं, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को जिस प्रकार से तबाह किया जा रहा है, मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे लॉ हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, आईबी हो, सारी शक्तियां एक अकेले गुजरात और मोदी के पीछे लगा दी गई है। मीडिया के मित्र इस बात को गंभीरता से लेंगे, मैं मानता हूं, अगर जितनी ताकत इन लोगों ने गुजरात के पीछे पिछले डेढ़ साल से खपाई है, अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दें तो आतंकवाद आधा हो गया होगा, आतंकवाद आधा हो गया। क्या सत्ता सुख के लिए यही काम करते रहोगे? और भाइयों बहनों, देख सकते हो आप बड़े बड़े दिग्गज, गुजरात की जनता ने क्या सबक सिखाया। मित्रों तुम्हारे सांभवन जेमने उभारे वाले पत्रकार मित्रों मैंने यहां जगह करेली। भाइयों बहनों, बड़े बड़े दिग्गजों को जनता ने कैसा सबक सिखाया। मुख्यमंत्री रहे हुए लोग एक नगर पालिका में जाकर के
बीड़ा उठाते हैं, यहां तो भाजपा को जड़ों से उखाड़ देंगे, 25 में से एक सीट नहीं ले पाए। बड़े बड़े दिग्गज जिनकी उंगलियों पर हिंदुस्तान का भविष्य और गुजरात का भविष्य चलता है, उनको पैर रखने की जगह नहीं रखने की जनता ने। दोस्तों, भाइयों बहनों, लोकतंत्र का एक अपना सामर्थ्य होता है और हम लोकतंत्र में अधिक बल देने वाले लोग हैं, लोकतंत्र के भरोसे जीने वाले लोग हैं। हमारा जीना मरना सब लोकतंत्र के ऊपर निर्भर करता है, हम उसके बिना जी नहीं सकते, ये देश चल नहीं सकता। और उन लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक बलवत्तर बनाने का विश्वास लेकर हम जीत रहे हैं। मैं यहां इस चुनाव में गुजरात की जनता का अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। अब मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर भी आपने भरोसा किया है, उनके हाथ में आपने अपना भविष्य दिया है, आपकी आशा अपेक्षाओं से वो खरा उतरेंगे, ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। हम विकास की राजनीति को करते रहेंगे और उसी को करते रहेंगे। जो काम 60 साल में नहीं हुए हैं उसको मुझे पूरा करना है।